नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक मस्तिष्क में रक्त संचय की परिचय में धामनिक के बारे में बताने जा रहे हैं। चेहरा अंगारों की तरह, रक्त संचय दप दप वेदनायुक्त, आँखों का सफ़ेद अंश भी लाल, हाथ पैर पर गर्म पसीना का अभाव, हाथ पैर गर्म पर पसीना का अभाव, दोनों पैर ठंडे, पेशाब की मात्रा कम और लालिमायुक्त, तेज रोशनी, तेज आवाज का सहन न होना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इसका मुख्य कारण शारीरिक में शक्ति एवं रक्त के अनुपात में परिश्रम का अभाव, अर्थात अपेक्षित मेहनत न करना, किसी त्वचा के रोग का बैठ जाना, हृदय की क्रिया में तेजी आना, एकाएक पसीना का बंद होना, किसी के शरीर के किसी स्राव का अचानक बंद हो जाना, जैसे बवासीर या मासिक स्राव आदि। दूसरा है शारीरिक रक्त संचय। हृदय की कार्यक्षमता घटना, जिससे रक्तवाहिनियों में रक्त संचालन कम हो जाना, अधिक दिनों तक किसी स्राव का स्रावित होना, अति संभोग या वीर्य क्षय, लगातार मानसिक परिश्रम, किसी चीर रोग के भोगना, पाचन संस्थान की गड़बड़ी, कृमि आदि भी इसके कारण होते हैं। सर में बराबर दर्द रहना, चेहरा में लाली नहीं बल्कि कांतिहीन, स्वभाव चिड़चिड़ा, माथे में गड़बड़ी, कभी कभी रोगी व्यक्त करने में असमर्थ कि शरीर में कैसी गड़बड़ी होती है, माथे में गड़बड़ी, कभी कभी रोगी व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है कि उसको हुआ क्या है, सुस्ती, हाथ ठंडे, पसीना युक्त, आँखों की चमक में हरास, रोगिणी बराबर अपने कपाल ब्रह्म तालु पर हाथ लगाती रहती है। उसका कहना होता है कि सिर बहुत गर्म है, जबकि दूसरों को ललाट स्पर्श करने से गर्म नहीं प्रतीत होता। यह लक्षण प्रधान संकेत है। सर भारी एकांत में शांत रहने की प्रबल इच्छा, जहाँ तक कि गाना बजाना भी पसंद नहीं, कभी कभी सर दर्द के कारण रो बैठती है, किसी किसी को मिचली या कह के लक्षण भी प्रकट होते हैं। अब इसकी चिकित्सा, धामनिक रक्त संचय की चिकित्सा है फेरम फास, कैली फास, नेट्रम फास, नेट्रम सल्फ और नेट्रम यूर। ये पांच दवाइयाँ मिश्रित कर नित्य सुबह शाम गर्म पानी से देना होता है। और होम्योपैथिक में एकोनाइट, तेज मानसिक आवेग के कारण रोग उत्पत्ति हुई तो बेलाडोना, चेहरा और आंखें लाल, शरीर के ढके भाग पर पसीना, प्रलाप के निर्देशक लक्षण। ग्लोनायन, आग के पास या धूप में रहने से रोग की उत्पत्ति या ऋतुस्राव के बंद हो जाने से ऐसा हुआ, बुखार न रहना। बिट्रेम्बिट्रे, बुखार के साथ साथ मासिक मस्तिष्क में रक्त संचय, सिर दर्द, आँखों एवं चेहरा में लाल, गर्दन के पीछे से अगले भाग तक सिर दर्द, चेहरे की पेशियों में फड़कना। क्यूप्रम एसेटिक, दंतोभेद के समय या किसी तरह के उद्भेद यदि ठीक से बाहर न निकले उसके कारण रक्त संचय में काफ़ी आ। यह रक्त संचय की स्पष्ट दवा नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से उपयोगी है। किसी तरह की मानसिक उत्तेजना के साथ अनिद्रा और रक्त संचय दोनों हो तो इसके प्रयोग से नींद आने लगती है, उत्तेजना साथ हो जाती है। अब इसका घरेलू उपचार है, यथावत अधिक से अधिक समय बिछावन पर विश्राम करें जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाते। हल्का एवं सुपाच्य पतली चीज़ें खाने को दें, इसमें अधिक नमक या चीनी का प्रयोग नहीं। सिर पर ठंडे पानी का प्रयोग करें, पट्टी भिगो कर रखें, बर्फ उपलब्ध हो तो बर्फ के चूड़ कर ही सिर पर रखकर अच्छी तरह बांधे, रक्त संचय की तत्काल लाभ होगा। मानसिक उत्तेजना संबंधी बातों से या वातावरण से दूर रखें, प्रयास करें कि रोगी के अनुसार ही वातावरण और माहौल का निर्माण हो। स्नायु रोग में सबसे पहली चीज़ होती है कि उसके माहौल के हिसाब से ही बातचीत करना, कोई ऐसी बातें ना कर देना कि उसकी परेशानी और बढ़ जाए। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।